मेरे साथ बैठे हैं वेलकम एवरीवन रोलिंग हाँ मेरे साथ बैठे हैं श्री केसर मथारू जी जसलीन के पिताजी हैं और हमारे पुराने मित्र हैं। मुझे जसलीन का एक दिन फ़ोन आया, जसलीन हमसे गाना सीखती है, हमारी स्टूडेंट है, उसका मुझे फ़ोन आया कि बिग बॉस से उसको ऑफर आया है। तो मैंने उसको कहा तुमको ज़रूर जाना चाहिए, वहाँ जाने से तुम्हारा खूब नाम हो जाएगा। तो कहने लगे नहीं, उसमें एक अड़चन ये है कि वो विचित्र जोड़ी बना के ही मैं जा सकती हूँ। तो मैंने कहा किसी को ले जाओ, बहुत अच्छी बात है। तो उसने कहा नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप आइए। तो मैंने उसको मना कर दिया, मैंने कहा मेरे पास इतना टाइम कहाँ है, इतने दिन इतने सारे कॉन्सर्ट छोड़ना ये सब करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। फिर उसने अपने पिताजी से फ़ोन कराया, फिर ये दोनों आ गए हमारे पास कि जी आप प्लीज़ समझिए आइए। तो हमने कहा अच्छा चलो ठीक है चलते हैं, क्योंकि 2 साल पहले मैं बिग बॉस में जाने वाला था, मेरी सब बातें हो गई थी, सब तय हो चुका था, लेकिन मैंने उनके ऑफिस को कहा था कि मुझे 1 हफ्ते के अंदर डेट्स कन्फर्म करिए, नहीं तो मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मेरे प्रोग्राम सब लगे हैं, सबको डेट्स चेंज करनी पड़ती मुझे कॉन्सर्ट्स की। तो उन्होंने 1.25 महीना लगाया मुझे डेट बताने में, तब तक मेरे बहुत बुकिंग्स हो चुकी थी और मैंने मना कर दिया। तो फिर मेरी जगह स्वामी जी को किया था, अगर आपको याद हो 2 साल पहले स्वामी जी उसमें आए थे। खैर अब अपनी बात पे आते हैं कि जब मैंने कह दिया कि हाँ मैं आऊँगा, तो ये तय हुआ कि गुरु शिष्य की जोड़ी, और ये भी बहुत विचित्र जोड़ी है क्योंकि मैं ट्रेडिशनल हूँ वो बड़ी मॉडर्न है, तो ये भी एक विचित्र जोड़ी अच्छी बन गई। और मैंने हाँ बोल दी, हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, उसने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया जसलीन ने। 1 हफ्ते रह गए थे बिग बॉस में जाने के, और बिग बॉस ने जसलीन को घर से बिग बॉस के सेंटर पे बुला लिया, उठा लिया वहाँ से 1 हफ्ता पहले। 1 हफ्ता पहले उसको आउट हाउस में बिग हाउस के ले गए। अब उसके पास फ़ोन भी नहीं, कुछ नहीं, उसको कांटेक्ट नहीं किया जा सकता, वो किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, हमने कहा सब तय तो हो ही गया कि ये गुरु शिष्य की एक जोड़ी है, हम लोगों का तय हो चुका है और हम उसमें जा रहे हैं, ये हम लोगों ने आपस में जो तय किया। तो शो के दिन मैं वहाँ पहुँचा, ऊपर आके सबसे पहले मंच पे मैंने ऐसी लागी लगन गाया। ऐसी लागी लगन गाने के बाद में सलमान के पास पहुँचा, उनसे गले लगे, और सलमान भाई ने मेरी थोड़ी तारीफ़ की, और उसके बाद मुझे पूछा कि आपके साथ और कोई नहीं आया, मैंने कहा नहीं आया, मेरे साथ जसलीन आई है जो मेरी स्टूडेंट है, मुझसे गाना सीखती है। उन्होंने कहा अच्छा, लेकिन वो तो कुछ और कहती हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। और जसलीन आ गई, और जसलीन ने आके कहा कि मैं इनके साथ रिलेशनशिप में हूँ। मुझे बड़ा झटका लगा, मैंने उसकी तरफ देखा कि ये क्या हो गया, कहानी बदल गई, ये टीवी घर में देख रहे थे ये लोग सब अपसेट हो गए, हमारे परिवार में जो लोग देख रहे थे वो सब अपसेट हो गए, घबरा गए कि ये क्या हो गया, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो खैर जब मैंने देखा कि इसने ये कहा है, और वहाँ पर उस स्टेज पे ये कहने के बाद में 2 मिनट बाद हमको बिग बॉस के हाउस के अंदर जाना था, वहीं गेट होता है, तो मैंने कहा अच्छा अब इसने बोल ही दिया है तो यही निभाते हैं, जब तक हैं अंदर, 2-4 हफ्ते अंदर हैं, ज़्यादा नहीं है, निभाते हैं। और हम और जसलीन हाउस के अंदर चले गए। 1.5 महीना मैं वहाँ रहा, बहुत खूबसूरत 1.5 महीना मैंने गुजारा। इस 1.5 महीने में बहुत से लोगों से जान पहचान हुई, कुछ कॉमनर्स,
कुछ सेलिब्रिटीज़, रोज़ हम वहाँ प्राणायाम करते थे, रोज़ सूर्य नमस्कार, रोज़ अपना रियाज, योगा, तो मेरा 4 किलो वज़न कम हो गया, मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। 8 घंटे रोज़ सोने को मिलता था रेगुलर, जो मुझे 30 साल से नहीं मिला इस तरह सोना, मेरे कॉन्सर्ट्स और ट्रैवलिंग की वजह से। तो अगर मुझे वहाँ फिर से भेज दें, क्योंकि मेरा उनका कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर तक का है, मुझे अगर वो फिर बुला लें और 4 किलो मैं और कम करके आ जाऊँ, तो अगले सेशन का होस्ट मैं होऊंगा, सलमान खान नहीं होंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। तो अब मैं वापस आया हूँ वहाँ से, तो वापस आकर जो सत्य बात है वो मैंने सबको कह दी। मैं इनसे भी मिला, इन्होंने भी कहा कि हाँ, हम लोग सब चौंक गए कि तय तो ये हुआ था कि गुरु शिष्य की तरह जा रहे हैं, ये क्या हो गया। इनसे भी जिन्होंने इंटरव्यू लिया है, इन्होंने भी वही बोला है जो मैंने बोला है, और जो जो मैंने बोला है अगर उसमें कोई एक वर्ड भी इधर उधर हो तो आप बता सकते हैं। सही बात है, यही बात तय हुई थी एक्चुअली, ये मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा था, लेकिन अभी मैंने ये उसी फर्स्ट डे देखा था शो के दौरान, जब जसलीन ने आके इनको लव रिलेशन की बात की तो ये भी थोड़ा चौंक गए थे। इनके एक्सप्रेशन से मुझे लगा था कि इनको भी कुछ शायद पता नहीं है, लेकिन जब ये अंदर चले गए तो मुझे लगा कि लेट्स सी, अभी आने के बाद ही पता चलेगा कि इनको पता था कि नहीं पता था, लेकिन इनके एक्सप्रेशन से मालूम पड़ रहा था कि शायद इनको कुछ पता नहीं है, ये कुछ नई बात हो गई। अब ये क्या बात हुई है ये तो जसलीन के आने पे ही पता चलेगा, या मैं बिग बॉस में जाता हूँ, मैं वहाँ जाके बात करूँ, मैं पूछूँ जसलीन को कि ये नहीं जाने देंगे, वो जाने नहीं देंगे, हो सकता मुझे अंदर बुलाएं, अभी हो सकता है, क्यों बीच में एक बार कॉल आया था जब आप वहाँ थे तभी मुझे बुलाया था, तभी बुलाते हैं, हाँ, लेकिन फिर उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, बोलते नहीं इस हफ्ते नहीं, आपको नेक्स्ट वीक में देखते हैं, तो अगर बुलाते हैं मैं जाके पूछूंगा अभी ये क्या था, या बाहर आने के बाद फिर आप भी पूछिए मैं भी पूछूंगा, सब 10 दिन से पूछेंगे। अब जब जसलीन बाहर आएगी तो बाकी कहानी और पता लगेगी। मैं बाहर आया हूँ, मैंने जो जो था आपको बता दिया, लेकिन अब जो आप लोगों के सवाल हैं वो एक एक करके सवाल करिए, मैं उससे जवाब देता हूँ। पता था नहीं, लेकिन आपने इंटरव्यू में कहा था कि आप इनसे थोड़ा सा नाराज हैं, तो अब ये नाराज नहीं? नहीं नहीं नहीं, नाराज हूँ ये कि भाई ये मेरे लिए शॉकिंग है इसलिए मैं नाराज हूँ, लेकिन ये पता था मैंने किसी इंटरव्यू में नहीं तो कह रही है पता नहीं था, पता नहीं था, पता नहीं था, हाँ मुझे पता नहीं, करेक्ट, पता नहीं था इसलिए आप इनसे थोड़े से नाराज थे, तो अभी नाराज भी खत्म हो गई, अभी खत्म करो ना, किस बात की नाराजगी, कुछ हर बात स्पष्ट है, सामने है। अब तो मैंने इनसे कहा कि जसलीन की शादी में मुझे बुलाइएगा कन्यादान के लिए, हम दोनों करेंगे साथ में, जब कोई, क्योंकि आप 1.5 महीने बिता कर आए बिग बॉस के घर में, आप बाहर आ गए हैं, आप अपने और जसलीन के रिलेशन को भी सबके सामने क्लियर कर रहे हैं, नकार चुके हैं आप 1.5 महीने के अंदर, आपको क्या लगता है कि कौन अब विनर हो सकता है, क्योंकि आप तो बाहर आ गए हैं? रोमिल फिलहाल लग रहा है, क्योंकि वो एक वकील है और वो अपने टास्क को पढ़ता है बहुत ध्यान से, उसमें वो शब्द वो पढ़ लेता है जो हम देख नहीं पाते, तो उसको विनर होने, मुझे आज मैं उसको विनर देख रहा हूँ, धीरे धीरे कोई और उससे ज़्यादा ऊपर उठ जाए तो बात अलग है। अब वो दीपक जो वहाँ सिंगर है जो काफ़ी एक्टिव है, वो भी उसके अंडर काम करता है, जो जो रोमिल कहता है अपने इशारे से वही दीपक करता है, तो फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि रोमिल विनर है। अब आगे जसलीन भी अगर और बोलेगी और खुल जाएगी तो उसके भी चांस हैं। सर, जैसे कि आपने कहा कि पहले कुछ और बात हुई थी और बाद में वहाँ पे स्टेज पे जाने के बाद थोड़ा सा मतलब मामला बदल गया, तो उससे लगता है कि बिग बॉस भी थोड़ा सा स्क्रिप्टेड हो सकता है उस चीज को लेकर? अगर बिल्कुल नहीं, बिग बॉस में सिर्फ एक स्क्रिप्टेड था जो हमारा उन्होंने डेट के लिए इवनिंग अरेंज की थी, जिसमें हमको तैयार किया गया, जसलीन को तैयार किया गया, एक बहुत अच्छा वहाँ पे बादलों के साथ में एक टेबल लगी हुई, बहुत खूबसूरत सेट बनाया था, वो उन्होंने अरेंज किया था, क्योंकि वो तो हम तो कर नहीं सकते, वो तो उन्होंने ही करना था, तो वो डेफिनेटली उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था और वो हमने बहुत इन्जॉय किया, मैंने एक दो गाने भी गाए, हमने उसके साथ थोड़ा डांस भी किया, बहुत अच्छा लगा था। अनुप जी,
बहुत ज्यादा ट्रोल भी किया गया इस चीज को लेकर, हर्ट हुआ होगा ट्विटर में बहुत सारे वासी पिल्ले कि अभी सुबह में उनके भाभी के कुछ लड़के हैं लड़की है उनके आधे उम्र के लड़के के साथ प्रेम कर रहे हैं, ये सब चीजें आपको लगता है कि नेगेटिविटी फैलती है? नेगेटिविटी फैलती है लेकिन आज खत्म हो जाएगी ना, आज जब आप लोग सही सही बात करेंगे जो हम बोल रहे हैं जो 100% सच है तो वो ख़त्म भी तो हो जाएगी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़े दिन की बात थी, लोगों ने लिख दिया अपने मन की भावना को, अब वो ये भी लिखेंगे हमको पता लगा कि भाई ये तो गलत था, तो बात ख़त्म। और बताइए बहुत से लोग ऐसे रह गए और इसमें अधिकांश लोग तो हमारे यार दोस्त ही हैं जो आते हैं हमारे घर पे अक्सर, तो मुझे अच्छा लगता है कि कुछ लोगों को ये शिकायत ना रह जाए कि हमको नहीं बुलाया हमारे साथ नहीं हुआ, तो जो प्रीतम शर्मा जो हमारे साथ ऑर्गेनाइज करते हैं उनको मैंने कहा कि किसी को शिकायत नहीं रह जानी चाहिए, बोलना तो हमने वही है जो हम पहले बोले हैं, एक शब्द भी अलग नहीं आपने सुना होगा, तो आप लोग आ गए हैं आपके मन में अब शिकवा नहीं होगा कि भाई हमको नहीं बुलाया, और कोई कारण नहीं। सर मिस्टर मथुरा आपसे कहना चाहेंगे आपने देखा शो किस तरह गया तो आपका क्या रिएक्शन है किस जसलीन के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे और आपका क्या यू नो कमेंट होगा सर और जसलीन, इन्होंने कहा कि हमारा स्पिरिचुअल रिलेशन है इट्स नॉट अ फिजिकल इट्स अ म्यूजिकल रिलेशनशिप सर सेड, आपका क्या रिएक्शन है इस पर, आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? नहीं बिल्कुल सहमत हूँ इनकी बात से, यही था यही मैं ऑब्जर्व करता था क्योंकि जब भी मिले हैं जब भी जो मैंने देखा है, मैंने अपने इंटरव्यू में पहले भी कहा था कि ऐसा मैंने कभी कुछ देखा ही नहीं इनको, कभी कोई रिलेशनशिप होता है तो पता चलता है, मेरे वाइफ ने या मेरे बेटे ने या मैंने कभी भी ये घर आए तो हमने कभी ऐसी चीज़ कोई नोटिस ही नहीं की, ये चीज़ें छुपती थोड़ी हैं तो कभी ऐसा नोटिस नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं वेट कर रहा था कि बाहर आएंगे तो ये चीज़ पता चलेगी। अभी जसलीन ने ये क्यों कहा वहाँ पर, ये क्या स्ट्रेटजी है उसकी, तो ये वो आए तो मैं उससे पूछूं, अब तो वो ही रह गई है, पहले मैं इनके बारे में कहता था ये आए तो इनसे पूछें या अपनी बेटी से मैं पूछूंगा, अब वो आएगी तो उससे पूछेंगे या मैं आज वहाँ जाऊं तो वहाँ जाके पूछ लूँगा, तो पता चल जाएगा उसमें, और फिलहाल मैं डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता क्योंकि अभी अच्छा खेल रही है वो, एटलीस्ट जिस काम के लिए गई है वो काम तो अभी सही ढंग से करके आए, मैं वो चाहता हूँ, तो अभी खुली है वो अभी बोलने लगी है, पहले इन्होंने सही कहा था कि इनके अंडर थी तो इनकी गाइडेंस भी चल रही थी, कम बोलती थी, अभी उसे खुल के बोलने का उसे मौका मिल गया, और शायद उसकी ये स्ट्रेटजी भी है कि पहले भाई सबको मैं देख लूँ समझ लूँ ये लोग कैसे हैं कौन है क्या है, अब उसकी समझ में आ गया ये गेम क्या है, कौन कितना चिल्ला रहा है कौन कितना किस तरह गाली गलौज करता है, वो इस स्टैंडर्ड पे तो नहीं जाएगी, जैसे अगर वो किसी से झगड़ा भी करेगी तो बहुत नाप तोल के उसके अल्फाज होंगे जो उसे बोलने हैं, इतनी तो उसे नॉलेज है, बाकी देखते हैं अभी क्या करती है, तो अभी क्योंकि वहाँ जो रहता है आदमी उसको ही पता होता है, जैसे क्रिकेट के मैदान में बैट्समैन होता है वो सबसे दुनिया में अकेला आदमी होता है, वो अपने आप को फील करता है सेंटर में खड़ा हुआ, तो ऐसे ही वहाँ आपने भी देखा होगा आपको भी पता ही है कि वहाँ अकेला ही होता है आदमी, सब अपनी अपनी गेम खेलते हैं अकेला ही होता है, उसे ये पता नहीं होता कि पास वाला क्या अभी करने वाला है अंदर जाके कन्फेशन रूम में क्या करेगा। अनुप सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि आपका इतनी जल्दी बाहर आना ये भी एक वजह हो सकती है कि आपने अपना जसलीन के साथ रोमांटिक एंगल कहीं ना कहीं शो में बढ़ाया नहीं है, अपनी तरफ से कभी आपने और जसलीन ने कोई कोशिश नहीं की कि इसको रोमांटिकली पेश किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं चैनल का कॉल वो हो सकता है क्योंकि आपको उसी तरह जोड़ी पे लेके गए और उन्होंने कई प्रयास भी किए जैसे आपको डेट पे भेजना, फिर एक टास्क हुआ था जहाँ पे वो आपकी यू नो कपड़े वगैरह हाँ वो और फिर वो कपड़े वपड़े त्यागने वाला वो सब वो कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे थे कि यू नो उस तरह से ये एंगल दिखे बाहर जो कि दिखा नहीं, तो ये भी वजह हो सकती है? लगता तो नहीं है ये वजह, क्योंकि मुझे जो निकाला गया है वो इमेज कॉन्शियस की वजह से निकाला गया, मुझे कहा गया कि आप इमेज कॉन्शियस हैं, मैंने कहा बिल्कुल हूँ क्योंकि मेरी इमेज है, मैं इस तरह गाली गलौज नहीं कर सकता जैसे यहाँ की जाती है, लोग जैसे चिल्लाते हैं वो सब तो मैं नहीं कर सकता, तो मैं अपनी इमेज को बिल्कुल संभाल के रखना चाहता हूँ, तो कहने लगे फिर आपको नॉमिनेट कर देते हैं, मैंने कहा कर दीजिए, और नॉमिनेट करने के बाद फिर मेघा जी ने दूसरे दिन मुझे कहा कि गलती हो गई आपको नॉमिनेट करके, मुझे अभी और लोगों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए था, तो वो भी ऐसा उन्होंने बोला, लेकिन नॉमिनेट तो मैं हो ही चुका था और उसी वजह से उन्होंने फिर मुझे निकाला है, और लेकिन मैं फिर जाना चाहता हूँ, मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा,
अगर मुझे फिर बुला लें तो मैं जाऊंगा और फिर से मज़े करूंगा। मतलब चांस है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री में शायद कर सकते हैं, उनकी इच्छा होगी, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट है 31 दिसंबर तक का, तो कह देंगे तो मैं आ जाऊंगा। ओके सर, एलिमिनेशन के बाद आप घर से बाहर आने के बाद काफ़ी मीडिया को ये चीज़ के बारे में बता रहे हो कि ये रिलेशनशिप फिजिकल नहीं था या ऐसा नहीं था, तो आपको लगता है ये विचित्र जोड़ी जो टैग लग गया है इसके बाद ही कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होगी? अब नहीं होगा, अब लोग भूल जाए। क्या है कि जब लोगों को पता लग जाएगा कि ऐसा नहीं है, पहले लोगों को जो शक था वो शक मेरी एब्सेंस में था, लेकिन अब मेरी प्रेजेंस में जो मैं बोल रहा हूँ ये ज़्यादा पावरफुल है, और ये लोगों के मन में जो गलत धारणा है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप लोग इसको उल्टा थोड़ी दिखाएंगे, जो मैं बोल रहा हूँ वही तो दिखाएंगे। जब जसलीन ने मुझे कहा तो मैं बहुत चौंका कि ये क्या कह रही है, लेकिन उसके बाद इतना समय नहीं था कि इस पे हम कुछ डिस्कस करते, कुछ करते। सलमान साथ में खड़े हुए और नहीं, अंदर 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 मैं इस प्रोग्राम को बिल्कुल बिगाड़ना नहीं चाहता था। नहीं, मेरा प्लान था कि जब उसने मुझे कहा कि हम रिलेशनशिप में हैं, तो मैंने कहा कि अब इस वक्त मैं इससे झगड़ा करूं, इसको क्या कहूं, इतना टाइम भी नहीं है, पीछे गेट उन्होंने खोल दिया है कि अंदर जाइए हाउस के, तो मैंने सोचा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2-4 हफ्ते ही मुझे रहना है, चला लेता हूं, बाहर आके लोगों को बता दूंगा असलियत क्या है। मुझे क्या लगा कि मैं शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ लोगों के लिए, यहाँ तो मुझे मतलब उन्होंने नेशनल सीन बना दिया, डिबेट करा दिए टीवी पे, मुझे नहीं लगता था कि मेरा इशू इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, मैं इतना इम्पोर्टेंट आदमी हूँ कि मुझे एक जैसे कि कहते हैं नेशनल सीन पे, नेशनल सब्जेक्ट हो जिस पे डिस्कशन चल रहा है, ऐसी कोई नेशनल इशू हो, ऐसा कुछ है नहीं। अगर मैं किसी आदमी को देखूंगा कि कोई आदमी अपने से 35-40 साल पुरानी लड़की से रोमांस कर रहा है या उसके साथ रहना चाहता है, तो मैं उसके में नहीं झांकूंगा, मैं कहूंगा उसका पर्सनल मामला है, उसमें झांकने की ज़रूरत नहीं है, सबका अपना अपना पर्सनल मामला है। मैं कहता हूं अगर ये है तो भी किसी को बोलने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैं कहीं देखूंगा तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने देखा कि इस बारे में लोगों ने बहुत बोला, इंटरनेशनल सीन बन गया है, अमेरिका तक, ऑस्ट्रेलिया तक, हर जगह से मुझे मैसेज आ रहे हैं, तो मैं जो लोग हर्ट हुए हैं उनसे मैं क्षमा मांगता हूं कि मेरे कारण आप लोगों को हर्ट हुआ है, और इसमें ज़रा भी सच्चाई नहीं है, ये भी आपको विश्वास दिलाता हूं। असल में मैं जाना चाहता था, बिग बॉस एक्सपीरियंस करना चाहता था, मैं 2 साल पहले जा रहा था। लेकिन उनको जब सच्चाई पता लगेगी तो वो वापस फेथ आ जाएगा उनका, क्योंकि जब उन्हें पता लगेगा कि ये सच नहीं है, जसलीन के पिताजी भी बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, सच्चाई है ही नहीं, तो सच्चाई नहीं है तो पता लग जाएगा, वो वापस आ जाएंगे। अच्छा अनुप जी, इसी पे मुझे एक क्वेश्चन है आपके लिए, जैसे कि हमने देखा था सीक्रेट रूम में जब आप थे और आपको पता नहीं था जसलीन को कि वहाँ पे आप हो और आप उनको देख रहे हो, लेकिन जिस समय जसलीन ने जैसे सौरभ और शिवाशीष के साथ उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी आपके जाने के बाद, जहाँ पे सौरभ उनको मसाज दे रहे थे और शिवाशीष उनके साथ एक ही बर्तन में खाना खाते, उस समय आपको फिर बुरा क्यों लगा था, क्योंकि आपने कहा था कि यही कभी उन्होंने मेरे साथ सोच लिया होता। ये हुई थी बात, सौरभ जो है वो एक गांव से आता है, गांव का कल्चर कुछ और होता है, मैंने जो बोला था वो मैंने सौरभ के लिए बोला था कि तुम्हारे लिए लोग तुम्हारे गांव में अच्छा नहीं सोचेंगे, ये सब शहरों में होता है कि हम लोग पार्लर में जाते हैं, लड़का लड़की की मसाज करता है, लड़कियां लड़के का मसाज करती हैं, लेकिन तुम्हारे गाँव में ऐसा नहीं होता,
तुम ये जो कर रहे हो इस पे नियंत्रण करो, क्योंकि तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी बहन, वो सब इसको देख रहे होंगे, उनके अंदर क्या फीलिंग आएगी। तुम्हारे कुछ यार दोस्त भी हैं, वो इसका मजाक भी बना सकते हैं। तो बेटर है कि तुम इस पे नियंत्रण करो। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मैं बाहर आ गया, उसको समझाया, तो उसने उस पे नियंत्रण किया। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि मुझे दूसरों के प्राइस नहीं मालूम। हो सकता है उनको जो भी मिल रहा हो, लेकिन अगर मुझे दूसरों के प्राइस आप बता दें तो मैं इसका जवाब दे दूंगा कि मैं हाईएस्ट हूँ या लोएस्ट। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसके बाद मैं ताजमहल होटल खरीद लूंगा। वहाँ नहीं, नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट जो है ना, मैं इसके पहले विग पहनता था, लेकिन हमको एक हमारे पास एक दिन एक डॉक्टर आए, उनका नाम है डॉक्टर प्रदीप सेठी, ये शायद मई या जून की बात है इस साल की। उन्होंने आके मुझे कहा कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट करता हूँ, और मैंने जब पढ़ाई शुरू की थी तो मैं आपके ही गाने सुन के पढ़ता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती थी और कंसंट्रेशन मेरा बढ़ा और मुझे पढ़ाई में बहुत फ़ायदा हुआ। मैं आज बड़ा डॉक्टर बन गया हूँ हेयर ट्रांसप्लांट का। तो मैंने कहा बहुत खुशी हुई, बैठिए चाय वाय पीजिए। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। मैंने कहा वो क्या? कहते हैं मैं आपका हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा मुझे तो ज़रूरत नहीं है, विग लगा रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कहने कहा नहीं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप करा के देखिए। मैंने कहा ठीक है, चलिए करिए। और उन्होंने सच में बहुत अच्छा किया। आप मेरे बाल देख रहे हैं, ये डॉक्टर प्रदीप सेठी का कमाल है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि जिसको जिसको ज़रूरत है वो वहाँ ज़रूर जाए। अनुज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि जस्मीन का जो कोई कोई सिंगर है सब कुछ, लेकिन अगर जस्मीन इसके बाद आकर कहती है कि वो आपके लिए फीलिंग्स रखती हैं, तो आपका आपका क्या रिएक्शन होगा अगर वो सचमुच कहती है? मैं तो नहीं रखता जी, अगर वो रखती हैं तो बहुत अच्छा, जरूर। ये तो उसकी मर्जी है ना, उसकी मर्जी, बाकी ये नहीं रखते तो जबरदस्ती थोड़ी बात खत्म हो गई। मैं ही नहीं रखता, कुछ रह गया था। हाँ, लेकिन ली नहीं ना, ली नहीं। डेफिनेटली उसका 7 लाख रुपए खर्चा आता है, लेकिन मुझसे इसलिए नहीं ली कि उनको अपनी पढ़ाई में मेरे गानों से बहुत हेल्प मिली, तो उन्होंने नहीं लिया। आज भी वो आते हैं, मिलते हैं बहुत प्रेम से, तो गुरु दक्षिणा है उनकी ओर से। अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा मुझे, बहुत दुख हुआ कि इस तरह की बातें वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। उसमें जो मेनली जिम्मेदार हैं वो श्री शांत हैं। श्री शांत ने ज़रा डांस वांस करके दिखा दिया था उसका, ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी उसको 9-10 हफ्ते वहाँ रहना है, तो अगर इस तरह की चीज़ डिस्कस होती है तो शर्मनाक है। मैं इसके बिल्कुल इसका पूरा विरोध करता हूँ। 100% करणवीर वाला रॉन्ग है। करणवीर जो ऐसे कर रहा था ना, वो सृष्टि को अंगूठी के लिए बता रहा था, क्योंकि सृष्टि के हम वहाँ सगाई करने की सोच रहे थे। सृष्टि का एक मनीष नागदेव उनका बॉयफ्रेंड है, उससे उसकी सगाई हम सोच रहे थे वहीं पे कराएं, मनीष को बुलवाएं और अंगूठी अंगूठी का प्लान कर रहे थे। तो उस वक्त जो जिक्र चल रहा था वो सृष्टि की अंगूठी के लिए चल रहा था, और केवी ने सृष्टि को ऐसे किया था कि अंगूठी वाला, हम उसको 4-5 दिन से चिढ़ा रहे थे, ये देखो तुम्हारा बट टाइम आ रहा है, हम तुम्हारा जल्दी से यहाँ एंगेजमेंट करा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से केवी वाला जो मामला है वो ठीक नहीं है, लेकिन बाकी जो आपने क्लिप्स देखे थे वो सही है। आपको लगता है बदलाव आ गया बिग बॉस से, और
मेरे अंदर एक बहुत अच्छी बात आ गई है कि मैं कॉमन मैन को और रिस्पेक्ट देने लगा। जो 14-15 लोगों में आधे लोग कॉमनर्स हैं, उसमें कुछ हैं जो गांव से आए हैं, कुछ हैं किसान हैं, इतनी अच्छी कमाई नहीं है कि अच्छी तरह से घर में पकवान खा सकें। तो उन लोगों के साथ हम रहे, उनके साथ मिल के हमने खाना बनाया, उनके साथ हम एक ही कमरे में सोए, उनके साथ हमने कपड़े धोए, उनके साथ हमने फर्श क्लीन किए हैं, बर्तन मांजे हैं। वो हमारे साथ ऐसे यहाँ रख के सर लेट भी जाते थे, तो उनके साथ वो ऐसा संबंध। तो मैं समझता हूँ कि एक ये चीज़ मेरे अंदर आई, पहले भी थी, मैं कभी किसी का अनादर नहीं करता हूँ, लेकिन अब मेरे में ज़्यादा आ गई है कि मैं कॉमनर्स की इज्जत पहले से ज़्यादा करता हूँ। वो एक्चुअली मुझसे इतनी रिस्पेक्ट से पेश आते हैं, बहुत इज्जत से मिलते हैं, मुझसे बात करते हैं, तो मुझे लगा कि उनके अंदर एक समझ है कि किस तरह से मुझे एड्रेस करना है और किस तरह करणवीर को करना है, क्योंकि करणवीर के साथ वो खूब मजाक करते हैं। करणवीर उनसे जूनियर आर्टिस्ट हैं, तो उनसे खूब मजाक करते हैं, उनके कपड़ों पे खेलते हैं, कोई ना कोई टोंट करते हैं, वो उनसे है, लेकिन हमको अलग ढंग से। तो एक ये बहुत बड़ी बात होती है होस्ट में कि अगर 15 कंटेस्टेंट्स बैठे हैं तो हर एक को उनको एड्रेस करना है, हर एक को तरीके से एड्रेस करते हैं। मुझे पता लगा, वो आने के बाद ही पता लगा, और एक चीज़ और पता लगी कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया, तो वो न्यूज़ में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। बाकी चीज़ें जो हैं पता लग रही हैं धीरे धीरे कि कुछ अपेक्ष लगाए जा रहे हैं, कुछ मी टू को चला है वो काफ़ी होने लगा है, कुछ उसमें हमारे कलाकार लोग फंसे हुए हैं। तो अब ठीक है, समय आ जाए, तरह तरह की चीज़ें होंगी, होती रहेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई किसी पे कुछ कहे तो टोटल एविडेंस के साथ कहे, कुछ उसके पास तस्वीरें हों, कुछ उसके पास वीडियो हों, अगर इस तरह लेके आए और कुछ कहे तो बात में दम होना चाहिए। वो भी मैंने सुना है, लेकिन उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं। किसी ने मुझे कहा कि अनु मलिक जी का नाम आया है, कैलाश खेर जी का नाम आया है, अभिजीत का नाम आया है, तो मुझे एक सुहेल सेठ का नाम आया है, तो इस तरह 7-8 नाम जिन लोगों को मैं जानता हूँ, साजिद खान का नाम है, तो इस तरह जो नाम मुझे बताए गए हैं, लेकिन उनका केस क्या है वो मुझे नहीं बताया गया अभी तक, वो मैं पूछूंगा, धीरे धीरे पता लगेगा। मैं आए हुए मुझे 2 दिन हुए हैं, उस 2 दिन में मैं 200 इंटरव्यू दे चुका हूँ, तो मैं इसमें ही पहले सोच रहा हूँ, लगूँ पहले इसको ठीक करूँ, फिर बाकी चीज़ें समझूँगा। ना ना ना, हमारी तो नॉर्मल जैसी लाइफ है वैसी रहेगी, बिल्कुल सतर्क नहीं, हम तो ऐसे रहेंगे जैसे हैं शुरू से, क्योंकि हम तो ऐसे ही मिलते हैं, ऐसे ही सबसे बातचीत करते हैं, ऐसे ही सबके साथ बैठ के खाना पीना करते हैं। माय लाइफ इज द सेम। सतर्क तो वो लोग होंगे जो ऐसे काम करते हैं, हम तो नहीं करते। जो करेक्टिव मेजर्स लिए गए हैं उनसे आप खुश हैं, जो चीज लिए जा रहे हैं कि कमेटी बनाई गई है, ये जो सब चीजें हो रही है सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से चीज, वो मुझे पता नहीं क्या बनी है कमेटी, आई डोंट नो अबाउट इट। अच्छा हाँ ठीक है, होना चाहिए, तो होना चाहिए, कोई भी ऐसे कोई भी किसी के ऊपर इस तरह अगर आरोप लगाता है तो कोई कमेटी होनी चाहिए जो उसको पहले देख ले, तब वो मीडिया में जाए। ठीक है। ओके अनुप जी, इसके अलावा क्योंकि आप बाहर आ चुके हैं तो ढेर सारे कॉन्सर्ट होते हैं आपके, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, आपने जो भगवत गीता को मोदी जी शायद लॉन्च करने वाले, हाँ मैंने काफ़ी लोग एक्चुअली जानते हैं, काफ़ी लोग यहाँ, कि मैंने भगवत गीता रिकॉर्ड की है उर्दू में, 1750 उर्दू शेर में भगवत गीता रिकॉर्ड की है, जो
अनवर जलालवी जी ने लिखी है, मोदी जी ने मुझे पत्र लिखा, उसकी उन्होंने प्रशंसा की, बहुत तारीफ़ की, और अब उन्होंने कंफर्म किया है कि वो किसी लखनऊ की अपनी विजिट में, जो नेक्स्ट विजिट होगी, वो हमारी गाई हुई भगवद गीता को अपने हाथों से रिलीज़ करेंगे, तो उसमें मैं लखनऊ जाऊँगा। लखनऊ में इसलिए हो रहा है कि अनवर जलालवी साहब भी लखनऊ के हैं जिन्होंने लिखा है, और उसके जो प्रोड्यूसर हैं वो भी लखनऊ के हैं, और मैं भी लखनऊ का हूँ, इसलिए लखनऊ में ये काम होगा। अभी तक डेट फिक्स नहीं हुई, लेकिन इसका गायन मैं पाकिस्तान में कर चुका हूँ। 8-9 महीने पहले पाकिस्तान गया था, 50,000 ऑडियंस के सामने मैंने भगवद गीता उर्दू में गाई, उन लोगों ने बहुत पसंद किया। मैं आपको पूरा वर्ड बताता हूँ, वर्ड टू वर्ड। तो आपने जहाँ पे बोल दिया कि मुझे इस बारे में जानकारी थी, उसमें क्या कहेंगे, आपका भी सर रिएक्शन जानना चाहेंगे कि आपको क्या इस बारे में पता था कि सुखविंदर इस सर से पहले उनका सुखविंदर जी के साथ भी, जैसे हमारी इंटरव्यू में बात हुई थी, आपने कहा था कि नहीं वो सिर्फ कॉन्सर्ट करते हैं मिलकर, बाकी ऐसे कुछ नहीं है। हाँ, वही कि वो कॉन्सर्ट ही करते हैं और वर्ल्ड टूर किया है दोनों ने साथ में, सुखविंदर के साथ, और अभी भी उन्होंने तो ये बताया कि वो अभी दोस्ती नहीं है उनके साथ, वो तो अभी भी दोस्ती है, अभी भी आते हैं मेरे पास, आते रहते हैं जब भी, या मैं उनके यहाँ जाता हूँ, तो वैसी बात नहीं है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि रोमिल जब बाहर आए, ये टास्क के बाद बाहर आए, तो रोमिल ने कहा यार इन्होंने मेरी बात चेंज कर दी, तो रोमिल ने कहा कि मैंने ऐसा कहा था कि मैं एक पब के अंदर गया, वहाँ एक लड़की को देखा, जब मैंने उससे बात की तो लड़का निकली, जबकि इन्होंने बिग बॉस में ये दिखाया था कि रोमिल एक लड़की को प्यार करते थे, बाद में वो लड़का निकली। तो जसलीन ने इस बात पे कहा कि देखा इन्होंने मेरी बात भी चेंज कर दी, आप वो क्लिप देखिए, तो जसलीन ने भी कहा, तो जसलीन ने जो कहा वो एग्जैक्टली वो नहीं था, थोड़ा मैंने, अलग मैं, बात मैंने ये बात सुनी हुई थी, अफवाह ये सुनी हुई थी। तो जब वो क्वेश्चन सामने आया और सलमान साहब ने मुझे पूछा, तो मैंने कहा ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इसके बारे में, इस अफवाह के बारे में तो मुझे मालूम है। तो फिर थोड़ा उन्होंने मजाक मजाक भी किया था सलमान भाई ने, वो ठीक है एंटरटेन करने के लिए करते हैं, तो ये हुआ था सच। सर, जसलीन आप रहे हैं और जसलीन भी मतलब शिवासी से काफ़ी करीब जैसे रही है, तो अब रोहित के आने पे वो शिवासी से दूरियां हो रही है और वो रोहित के करीब आ रही है, तो सर आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा है, रोहित भी बहुत अच्छा लड़का है और मुझे लगता है कि धीरे धीरे अच्छा काम भी करेगा, आर्टिस्ट अच्छा बनेगा। अगर वो दोनों नज़दीक आते हैं, दोनों की दोस्ती बढ़ती है, आगे चल के कोई और फैसला लेते हैं, तो हम दोनों कन्यादान करने चले जाएंगे। सर, आपको ये नहीं लगता कुछ ज़्यादा जल्दी हो रही, शिवाशीष के साथ वो थे जब जब उनका उनका फैसला, हम ये तो उनका फैसला है, जल्दी हो रही है, क्या देख रहे हैं अब जो लोग, जो कुछ आप लोग देख रहे हैं, कल तो मैंने देखा भी नहीं, लेकिन जो लोग देख रहे हैं उसके बारे में सोचेंगे, बात करेंगे, लेकिन हमें तो जो भी सूचना मिलेगी अब उसके लौटने के बाद ही मिलेगी। जाते जाते जा रहे हैं हम, श्रीशांत को मैं कई बार वो सही रास्ता दिखा चुका हूँ कि यहाँ से कूदोगे तो जल्दी से बाहर निकल जाओगे, वो वहाँ जाता ही नहीं वो गलत रास्ते से जाता है क्योंकि उसको जाना ही नहीं है। देखिए, जो आदमी पैदल चल रहा हो पैरों से, उसको कोई नहीं देखेगा, कोई आदमी सर के बल चल रहा हो तो सब देखेंगे। श्रीशांत का गेम यही है, उसको टास्क नहीं खेलना, उसको सारे कैमरे अपनी तरफ चाहिए, कभी ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, कभी डॉक्टर, कभी जेल में धाम धूम, कभी दीवार से फाड़ना, कभी नॉक करता है, कभी जब हम वो सीक्रेट हाउस में गए थे ना, मैं और श्रीशांत, तो वहाँ से तो बाहर कूदने का रास्ता बहुत इजी था, तो श्रीशांत जैसे ही आया मैंने कहा तुझे दिखाऊं रास्ता, यहाँ से दो ऊपर चलोगे बाथरूम से सीधा बाहर, वो वहाँ गया ही नहीं कभी। उसकी स्ट्रेटेजी ये है कि कैमरा कैसे ज्यादा, अब 100 कैमरे उसके ऊपर लग जाते हैं जब वो भागने की कोशिश करता, अरे अगर पैर में इतनी चोट है, और दीपिका पीछे लग जाती है, दीपक भाई क्या कर रहे हो, भाई क्या कर रहे हो, अगर पैर में इतना दर्द है तो यार चढ़ोगे कैसे, उतरोगे कैसे, वो चढ़ जाते हैं, तो ये सब ड्रामा है। एक और बताएं,
لیکن وہ ان کی لیکن وہ ان کی اسٹریٹجی ہے. میں اس کے لیے ان کو برا نہیں کہہ رہا. مجھے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کا فیوریٹ کنٹیسٹنٹ کون ہے, میں کہتا ہوں شری ہے, کیونکہ شری بہت انٹرٹین کرتا تھا, ایسے ایسے کام کرتا تھا. وہ کہتا تھا بس کل آپ صبح اٹھیں گے اور دیکھیں گے میں نہیں ہوں, میں غائب, اور صبح دیکھ رہے تو ڈانس کر رہے ہیں باہر. تو وہاں یہ چیزیں بڑی انٹرٹیننگ. دیپیکا کو سب سے اسٹرانگ ان دنوں لگتا تھا شری, کیونکہ شروع سے شری نے ایک دم کنٹرول کیا ہوا تھا. تو دیپیکا نے سوچا اس کو کیسے نکالیں. اس کو جیسی موقع ملا اس نے شری کو نکال دیا, اور یہ کہہ کے نکال دیا کہ آپ کو گھر کی بہت یاد آ رہی ہے, میں چاہتی ہوں کہ آپ گھر جائیں, اور وہ چلے گئے. میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کے کسی یار دوست کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ کہے کہ مجھے بھگوان کے پاس بھیج دو میری طبیعت بہت خراب ہے, تو آپ اس کو مار دیں گے؟ آپ تو یہ کہیں گے نا اس کا علاج کرا, اس کو ٹھیک کرتے ہیں. لیکن اس نے شری شان کو سیدھا ہی آؤٹ کر دیا. یہ چیز ٹھیک نہیں تھی اور وہ بھانڈا پھوٹ گیا, لوگوں کو پتہ لگ گیا. لیکن پھر مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آئی کہ اس کے بعد شری شان نے پھر اسے دوستی کر لی. تو وہاں شری شان دیپیکا ہر ہفتے دوستی بھی کرتے ہیں اور ہر ہفتے دوستی توڑتے بھی ہیں. تو ایسی اسٹریٹجی وہاں چل رہی ہے. میں بالکل اسٹریٹ کھیلا. آپ لوگوں میں کوئی بھی یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو اگر میرے پورے کھیل میں کہیں کوئی گیم نظر آ رہا ہو, کہیں کوئی کیلکولیٹو چیز نظر آ رہی ہو, تو مجھے آپ بتا سکتے ہیں اسٹریٹ. سر فلم فیسٹیول کے بارے میں, ہاں وہ بھی بتائیں. سربھی نے جس دن خون کا ٹیکا لگایا اس دن میں ڈر گیا. میں اس لیے ڈر گیا کہ اس کا بیڈ جو تھا وہ میرے بیڈ کے نیکسٹ تھا. تو میں نے کہا خون کا ٹیکا لگا کے جب وہ لیٹے گی میرے بغل میں میری حالت خراب ہو جائے. تو میں نے ان سے کہا جی میرا بستر بدل دیجیے, یہاں دوسرا کر دیجیے, اور سربھی کو یہاں سے نکال دیجیے, کیونکہ خون کا ٹیکا لگانے کا مطلب ہے اعلان جنگ, اب تلوار نکالنی باقی ہے بس. ایسا نہیں کرنا چاہیے, وہاں تھوڑے سینسٹیو لوگ بھی رہتے ہیں میرے جیسے, یہ کرنا اچھا نہیں. تو دیکھیے 16 گھنٹے کی ریکارڈنگ میں آپ لوگوں کو 45 منٹ دکھایا جاتا ہے, لیکن میں نے وہ 16 گھنٹے کی فلم روز دیکھی ہے. اس 16 گھنٹے کی فلم میں کس طرح کی گالیاں, کس طرح کی باتیں, کس طرح سے فنگرنگ, کس طرح کی چیزیں وہاں کی جاتی ہیں, اس سے میں واقف ہوں, آپ لوگ نہیں ہیں. اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اگر کسی کے اگینسٹ یہ کہا ہوگا کہ اس کو گھر سے باہر نکال دینا چاہیے, اس کا کچھ کارن ہوگا, کیونکہ میں 16 گھنٹے کی فلم دیکھ رہا تھا, آپ لوگ صرف 45 منٹ دیکھ رہے تھے. اچھا چلیے, ان کا فلم فیسٹیول کا بول دو. ہاں ان کا دیکھیں, ایک فلم فیسٹیول ہم کر رہے ہیں, اس میں میں بھی انوالو ہوں. یہ کیا ڈیٹس ہیں بتا دو. 24-25 نومبر آپ لوگوں کو بھی سمے ملے تو اس میں ضرور آئیے گا. فلم فیسٹیول آرگنائز ہو رہا ہے, اب میں جوری میں ہوں اس لیے آپ کو دکھا. ہاں دیکھیے, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی لڑکی کو نام کرنا ہے دنیا میں تو میرے ساتھ بگ باس میں آ جائے, اگلے سیشن میں اس کا بہت نام ہو جائے گا. دیوالی پہ ایک بہت اچھا شعر سناتا ہوں جو میں نے جسلین کو سنایا تھا کہ دیوالی کے موقع پہ تمہیں کیا پیش کروں, تم تو خود ہی ایک پٹاخہ ہو. اب میں آپ کو دیوالی پہ 2 لائن بھجن کی سناتا ہوں, پھر ایک اور بھجن سناتا ہوں. دیپاولی منائی سہانی, دیپاولی
मनाई सुहानी मेरे बाबा के हाथों में जादू का पानी। दीपावली हो दीपावली दीपावली। अब एक भजन सुनिए। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल। थैंक यू वेरी मच, आप सबको शुक्रिया आने का। दे देंगे बाबा चल।